Shaheed Zulfikar Ali Bhutto's vision will be my guiding light. Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto ko unki kami bhi bahut shadeed mehsoos kar raha hu. So main bahut shukr guzar hu Pakistan People's Party ki leadership ka, chairman Bilawal Bhutto Zardari sahab ka, co-chairman Asif Ali Zardari sahab ka, jinhone mujh pe aitmaad kiya, mujhe is soobay ke chief executive ke liye nominate kiya. Meri teen tarjiyat hain. Awami khidmat aur awami khidmat. Assalamu alaikum Nazreen, good evening. You're watching The Other Side. I'm Alina Shigri. Murad Ali Shah sahab Sindh ke naye wazir ala muntakhib hue hain. 88 votes unhone hasil kiye aaj aur ode ka half bhi successfully unhone utha liya. Murad Ali Shah sahab ek bade crucial time pe ye kalamdan unko saunpa gaya hai aur itni 8 saal se jo wazir ala Sindh ke chale aa rahe the Qaim Ali Shah sahab unko aise mein in halaat ko dekhte hue ekdam se change kar dena kya ye cards pe pehle se tha Dubai mein jo guzishta hafte meeting hui kya People's Party ke rehnumaon ko bhi is baat ka andaaza tha ki ye changing mein wo mamla to rangers ke ikhtiyarat aur unke wahan par qiyam ke hawale se tha lekin ye itna badi ek development hona ये आगे सिंध के लोगों के लिए कितनी एक 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 होप्स उजागर करती है वहाँ के लोग और चूंकि कराची में ऑपरेशन भी ऑनगोइंग है जिसको एक अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ पहुँचना है उसकी सक्सेस के लिए और सक्सेसफुली उसको कंक्लूड होते हुए देखने के लिए अब जो नए कप्तान हैं वो उनके हाथ में कितने फैसले करने की उनको इजाज़त होगी और कितना वो बाख्तियार होंगे आज इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते चलो हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं अब्दुल सितार खान साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन तज़ियाकार नीड्स नो इंट्रोडक्शन अस्सलाम वालेकुम सितार साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब सीनियर दिफाई तज़ियाकार वो भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आयतुल्ला दुरानी साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका और हमारे साथ होंगे मौजूद सेनेटर डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब जो कि सरबरा हैं पीपल्स पार्टी वर्कर्स के अस्सलाम वालेकुम आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमें कराची से ज्वाइन करने के लिए सफदर अब्बासी साहब और आयतुल्ला दुरानी साहब मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी सतार खान साहब और ये जो हमने एक ये चेंज गार्ड देखा एक जो ये अचानक से ये जो डेवलपमेंट देखी सिर कराची वाले अभी क्या उम्मीदें लगा के रखे ऐसे में जो ये कराची में एक ऑन गोइंग ऑपरेशन भी है मामलात किस तरफ ले जा रहे हैं पहले तो मुझे यही समझ नहीं आई कि क्यादत बदली क्यों गई वज़ीर-ए-आला को क्यों बदला गया क्या वज़ीर-ए-आला किसी का कहना नहीं मान रहा था या वज़ीर-ए-आला परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर रहा था या वज़ीर-ए-आला बहुत पुराना हो चुका हुआ था एक नए वज़ीर-ए-आला की ज़रूरत थी अब जब नए वज़ीर-ए-आला आएंगे वो तो पहले ही आप उनकी तकरीर देख लें वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं मतलब नौकरी का पहले दिन उन्होंने पहला काम किया कि सियासी क़यादत का ना शुक्रिया अदा किया कि मैं पीपल पार्टी की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना दूसरी बात है कि सिंध में रहते हुए वज़ीर-ए-आला कोई भी वज़ीर-ए-आला रह ही नहीं सकता जब तक कि बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर हैं जब तक कि आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पर हैं जब तक कि वो टप्पी साहब वहाँ पर हैं अब देखो डिफेक्टोज इतने हैं वहाँ पर तो एक एक चीफ मिनिस्टर जो बाकायदा मुंतखब शुदा चीफ मिनिस्टर वो कैसे करेगा जहाँ पर 3-4 डिफेक्टोज बैठे हुए हैं अब देखें ना कि पंजाब में कोई डिफेक्टो नहीं है अगर केपी की बात की है तो किसी हद तक इमरान खान को कहता है लेकिन इमरान खान ने कोई फ्री हैंड दिया हुआ है अपना खटक साहब वो खटक साहब ने भी पिछले हफ्ते तो उन्होंने भी वो रोना रो दिया ठीक है ना ये अब वाहिद रह के ना सिंध रह जाता है कि जहाँ इतने मसाइल हैं और पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक अपना एक जगह रह गई है जहाँ वो एक मैंडेट का भरम रखने कायम रखने की कोशिश कर रही है वो सर्विस से भरम नहीं रख पाई अभी तक और ना ही आइंदा सर्विस करके अपना भरम रख पाएंगी वहाँ सिंध की पॉलिटिक्स कुछ उसके डायनामिक्स इतने बदल चुके हुए हैं कि मुझे कई लोग सिंध के मिलते हैं मैं कह रहा हूँ यार पीपल्स पार्टी तो मेरे ख्याल उड़ जाएगी वो कहते हैं पीपल्स पार्टी नहीं उड़ेगी जब तक ये सारा कायम दायम जो चीज़ें हैं ना इस वक्त मौजूदा जो चीज़ें जितनी भी हैं चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है पैसा है असर है बड़े बड़े लोग हैं इलेक्टेबल्स हैं वो कहते हैं जब तक वो पीपल पार्टी के पास रहेंगे पीपल पार्टी वहाँ इलेक्ट होती रहेगी तो अब ये जो नए साहब आए हैं मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं अवामी खिदमत कौन सा बंदा है जो ये नहीं कहता अवामी खिदमत नहीं करूँगा कभी सुना है आपने कि किसी मुंतखब वज़ीर आज़म या मुंतखब वज़ीर आज़म ने कभी कहा कि जी मैं खिदमत नहीं करूँगा अवाम की हर बंदा तो यही कहता है वो कौन सी नई बात थी जो उन्होंने आज कहा अवामी खिदमत अवामी खिदमत अवामी खिदमत यार हर बंदा जो भी पॉलिटिक्स में आता है वो पहली बात तो यही करता है ना कि मैं अवामी खिदमत के लिए पैदा हुआ हूँ मैं बना ही अवामी खिदमत के लिए हूँ और मैं अवामी खिदमत करता रहूँगा दुनिया की कोई ताकत मुझे अवामी खिदमत करने से रोक नहीं सकती ये रेट्रिक है सारा कुछ
ये सिर्फ जुबानी जमा खर्चा है सारा, प्रैक्टिकल होगा। आप कोई आपको क्लेम ना करें, कोई दावा ना करें, आराम से आके बैठे, उन्हें कहे जी मैं जैसा वजीर बन सकता हूँ वजीर अला, मैं बन के दिखाऊंगा। अब कहना क्या है कि जी मुझे उसकी याद आ रही थी तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो मैं इनिशियली तो खुश तो प्रैक्टिकल कॉन्डक्ट होता है, बातें तो मैं ही बड़ी कर लूंगा, मुझे आप बना दें, मुझे आप बना दें, मैं इनसे बेहतर खूबसूरत गुफ्तगू करूंगा और बड़े बड़े दावे कर दूंगा। बिल्कुल जैन साहब, वन शाह हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर शाह, एंड स्पेशली कायम अली शाह साहब के हवाले से कहा जाता है अनटेंटेड बाय करप्शन। क्या मामला थे कि अचानक से दुबई ने फैसला किया कि भाई कायम अली शाह साहब अभी साइड पे हों और नए शाह साहब आ गए? अलीना, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि ये कोई चेंज नहीं है, इट्स अ कॉस्मेटिक चेंज। और अगर आप उनकी बात सुने, चेंज सिर्फ इतनी है कि वो कुर्सी पे सोएंगे नहीं, अपनी कुर्सी नहीं भूलेंगे या आदमियों के नाम नहीं भूलेंगे। ही इज़ यंग, ही कैन रिमेंबर एंड ही कैन टॉक बेटर देन शाहजी। अब बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज राजधानियाँ हैं, इनके अंदर न कोई जमहूरियत है, न इनके अंदर कोई ऐसा सो कॉल्ड लीडर है जो पार्टी पॉलिसी से डिपार्चर कर सके या कुछ डिलीवर करने की कोशिश करे। ये इनकी अभी आप बात सुने कि इनके फादर भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब सिंध के, बिल्कुल। अब ये खुद उसी फैमिली के दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं। इनका इब्तदाइया आप देखें कि ही इज़ अनदर ममनून हुसैन, आई एम ओब्लाइज्ड टू बिलावल, आई एम ओब्लाइज्ड टू बेनज़ीर भुट्टो, मैं उनकी विजन लेके चलूंगा, और आई एम ओब्लाइज्ड टू आशिफ अली जरदारी जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया है। तो भीम सिंह एंड खेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, क्या तब्दीली आएगी? ना आसिफ अली जरदारी चेंज होगा, ना बिलावल चेंज होगा। अब आपने बात की कि ये चेंज आई क्यों है, चेंज आई इतनी है कि अभी बिलावल इज़ ट्राइंग टू असर्ट, वो अपनी एक पार्टी के अंदर एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और उनके फादर की भी यही ख्वाहिश है कि मेरा बैगेज तो मुझे कहीं चलने नहीं देगा, चलो इस बच्चे को आगे लाते हैं ताकि ये अपने ननिहाल का कुछ सिक्का ले के, कुछ पार्टी के वोटर को ले के थोड़ा आगे चलने की कोशिश करे। तो उस बच्चे के लिए इट वॉज ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू जेल विद कायम अली शाह, एज डिफरेंस इतना था, बात इतनी, फ़र्क इतना था, एनर्जी लेवल में इतना डिफरेंस था। मुराद अली शाह साहब के साथ ही विल वर्क क्लोजली और एक हाँ, प्रॉपर लॉन्च बिलावल की अब नजर आ रही। अब जो है द ओनली थिंग इज के मुराद अली शाह बींग यंगर, मोर एनर्जेटिक एंड एजुकेटेड फ्राम अब्रॉड, वो इतना कर सकेंगे कि ये बेहतर कम्युनिकेट कर सकेंगे बिलावल के साथ और शायद बिलावल की लॉन्चिंग में, बिलावल की स्टैंडिंग में सिंध के सूबे तक शायद कुछ तब्दीली ला सकें। लेकिन क्योंकि ये पार्टी पॉलिसी से डिपार्चर कर नहीं सकते, कायम अली शाह भी पार्टी पॉलिसी टो कर रहे थे, इन्होंने भी पार्टी पॉलिसी टो करनी है, और पॉलिसी वही है जो दुबई से आएगी, तो कोई तब्दीली पॉलिसी और स्ट्रेटजी न, कोई पॉलिसी में चेंज है, न स्ट्रेटजी में चेंज है, न कोई डिलीवरेंस में चेंज आएगी, न सिंध के अवाम के लिए कोई नया ये तोहफा लेके आएंगे। ही विल रिमेन ममनून एंड ओब्लाइज्ड टू आसिफ अली जरदारी, और उन्हीं की पार्टी लाइन टो करेंगे, उन्हीं की पॉलिसी टो करेंगे। ओके दुरानी साहब, आप चूंकि सुन भी रहे हैं जनरल साहब के और सत्तार खान साहब के भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना, क्यों ऐसे इतने जल्दी में आखिर ये फैसला लिया गया कि कायम अली शाह साहब को, क्यों आखिर रियलाइजेशन 8 साल बाद ही सही लेकिन अचानक से कैसे हो गई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जनरल साहब के लिए मैं कह दूं कि कोर कमांडर्स को भी तब्दील किया गया है, तो ये खुशायन बात है। अगर हमने या पॉलिटिकल कोर कमांडर अपना कराची का तब्दील किया है तो ये अच्छी बात है। और एक आप लोग हमेशा मीडिया में कहते थे कि जनाब ये अब वहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली आनी चाहिए, तो ये तब्दीली सियासी तब्दीली है, और इससे समाज में और इससे हुकूमत में और इसमें इससे पूरे रीजन में जो है ना एक बड़ी तब्दीली वाज़े नुमाया नज़र आएगी आपको। अगर पहले आप कहते थे कि जनाब आप बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सियासी पावर है और उसकी सियासी सोच है, उसकी सियासी फिक्र है, उसको भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अभी हमने बिलावल भुट्टो चेयरमैन के सियासी रास्ता उसने खुद दिया, उसने खुद लिया और उसने खुद चलाना शुरू किया है। अब जब पॉलिटिकल पार्टी में तब्दीली आ जाती है और इंतज़ामी तब्दीली आ चुकी है और इसमें सियासी तब्दीली आ चुकी है, तो ये पाकिस्तान के लिए, सिर्फ सिंध के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है कि एक पढ़ा लिखा शख्स, एक पहले से भी पढ़ा लिखा शख्स हमारे साथ था, तजुर्बाकार था, अब मज़ीद एक एक्टिव दोस्त को लेकर के आगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इन तमाम दोस्तों को जो पॉलिटिकली हमेशा इस सोच के साथ थे कि थोड़ी देर के लिए एक्टिव साथी आना चाहिए,
तो हमने उनकी जबान को कबूल किया जिसका नाम मीडिया है, जिसका नाम सियासी लीडर थे, जो हमारे सियासी मुखालिफिन भी बोलते थे, हमने सबको कबूल किया। जी जी, और खसूसन सत्तार साहब के लिए आपने बड़ी खूबसूरत पैराए में बात कर दी कि कोर कमांडर भी तो चेंज होते हैं। कोर कमांडर कभी भी आर्मी की पॉलिसी को उससे डिपार्चर नहीं कर सकता, उसी लाइन के अंदर रहता है जो चीफ डिफाइन करता है। मैंने भी एग्जैक्टली यही बात की कि अगर आप इन्हें कोर कमांडर ही कहते हैं और कोर कमांडर तब्दील हो गया है तो पॉलिसी वही रहेगी जो इनका जीएचक्यू देगा। सो तब्दीली कोई नहीं है, सिर्फ एक रिलेटिवली यंगर आदमी, मोर एनर्जेटिक आदमी आपने सीट पर बिठा दिया। लेट्स होप, लेट्स सी व्हाट ही कैन डू, बट पार्टी लाइन से कोई डिपार्चर नजर नहीं आएगा। ठीक है, बट देखिए मैं बता दूं, मैं जनरल साहब क्यानी साहब के जमाने में एक अलग पोजीशन थी, राहिल के जमाने में अलग है। इस वक्त हमारा कोर कमांड जो चीफ है हमारा वो है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो चेयरमैन है। उन्होंने चीफ ने जो पॉलिटिकल फैसला किया, हम सब उससे, आप भी और सब भी इस्तीफा करेंगे। ये हमारे पार्टी का चेयरमैन चीफ ने फैसला किया, इसलिए सर आंकों पर इंशाल्लाह पॉलिसी आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा। कामयाब हो रहनुमा है वो, क्या उनको ये बात का अंदाजा था कि जब दुबई जाया जा रहा था, मामला तो था सिंध में रेंजर्स के कराची में क्याम और उनके खसूसी इख्तियारात के हवाले से, उसकी उसमें एक्सटेंशन के हवाले से, ये क्या बात कार्ड्स पे थी ऑलरेडी कि भाई सीएम, आप लोगों को भी ये पता हो कि भाई सीएम तब्दील हो जाएंगे? देखिए मैं बता दूं आपको कि सीएम साहब जो है ना पहले भी वजीर खजाना रह चुके हैं, अब उनके सामने ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं, हमेशा चलते रहे हैं। गुज़श्ता ये 8 साल की पोजीशन है, एक एक लम्हे में ये रह चुके हैं, तो लिहाजा जो रेंजर्स के इख्तियार हैं वो मुकम्मल तौर पर आईन में दर्ज, कानून में दर्ज फैसले के मुताबिक, पार्लिमान के फैसले के मुताबिक पूरे कराची को ताकतवर तरीके से रेंजर्स के इख्तियार उसको मिल हैं, उसके पास रहेंगे और मुस्तकबिल में भी रहेंगे। कहीं कट नहीं हुआ है और न कट हुआ है न होगा, और जब तक इंतज़ामी अमूर की ज़रूरत पड़ेगी रेंजर्स शाना बशाना अपने सूबे के और अपने डिस्ट्रिक्ट के इंतज़ामिया के साथ चलता रहेगा। ये डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर की ज़रूरत है, जब डीसीज अपने इलाके से लिख कर के भिजवा देते हैं कि मुझे रेंजर्स अब चाहिए, इतनी मुद्दत के लिए चाहिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो जाता है तो जनरल्स को या मरकज़ को कह दिया जाता है कि यहाँ पर हमें इतनी मुद्दत। और लेकिन चूँकि कराची को स्पेशलाइज सब्जेक्ट की हैसियत से रखा गया है, तो लिहाजा तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो इस वक्त कराची के हैं, और उन्होंने इसको कहा है कि हाँ अब हमारी ज़रूरत है कुछ दिनों के लिए, तो जब तक ज़रूरत पड़ेगी, कराची रेंजर्स का है, रेंजर्स वाले और सूबे के जो पुलिस है इंतज़ामिया मिल करके कराची को ठीक कर रहे हैं। इंशाल्लाह पुरउम्मीद है ताकतवर तरीके से मुस्तकबिल में आप रेंजर्स और सूबे के ताल्लुकात को मुस्तकम, ताकतवर और खूबसूरत देखोगे। बिल्कुल ठीक है। दुरानी साहब, खुर्शीद शाह साहब का भी एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंध में अमन के कयाम के हवाले से उन्होंने सारा क्रेडिट दिया था पुलिस को। एक ब्रेक का मुझे इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। जब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मुराद अली शाह साहब ने एक कलमदान ये वजीर आला का उनको सौंपा गया है, उन्होंने हलफ उठाया है, कैसे साबित होंगे सिंध के हालात को मद्देनजर रखते हुए, और जो उन्होंने आज की उस तकरीब में जो बातें की हैं कि जी मैं अपना प्रोटोकॉल कोशिश करूंगा कम से कम कर दूं और ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत में भी तब्दीली आएगी वो कह रहे हैं, और 9 बजे दफ्तर में हुआ करूंगा, कैसे देखते हैं आप सर? बात यह कि शाह साहब की मैंने तकरीर सुनी जी, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं, और मैं समझता हूं कि वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद उनको यही कुछ कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा। लेकिन उनके साथ मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो गुज़श्ता 8 साल से इस सारे सेटअप से एसोसिएटेड रहे हैं बहैसियत मशीर ख़जाना और वज़ीर ख़जाना। जब तक वो अपने आप को इस सारे सिस्टम से एक्सट्रिकेट कर नहीं करते और इससे बाहर नहीं निकलते, आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किल जो है ना वो उनके सामने खड़ी हैं, क्योंकि सेटअप में कोई इतना बड़ी तब्दीली नहीं आई, वो वैसे ही कायम है और वो ख़ुद भी उसका हिस्सा रहे हैं। जब तक वो उससे निकलते नहीं हैं और अपने आप को एक इंडिपेंडेंटली फोकस्ड अप्रोच के साथ बाहर नहीं आते, और जो जो उन्होंने तरजीहात अपनी बयान की हैं उन पर हकीकतन अगर अमल नहीं करते तो उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत शदीद मुश्किल होंगी। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि अब तक अगर आप देखें गुज़श्ता 19 जुलाई से जो एक बड़ा इशू है इस वक्त सिंध के अंदर रेंजर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान जो एक कश्मकश जारी है कामरी शाह साहब के वक्त से, उसको तकरीबन अब 10 दिन गुजर चुके हैं, अब तक वो मामला हल नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ें इस वक्त उनके लिए अहम है कि क्या वो उस सारे
सेटअप जो पहले पावर सेंटर्स बने हुए थे सिंध के अंदर, क्या वो उनसे बाहर निकल सकते हैं, वो अपने आप को थोड़ा बुलंद कर सकते हैं सियासी लिहाज से, और क्या वो इस मसले को जो कि कश्मकश है सिंध रेंजर्स और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लियामेंटेरियन की हुकूमत है सिंध के अंदर, जब तक इन चीज़ों से वो बाहर नहीं निकलते मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में उनके लिए काफ़ी कड़ा वक्त। सर इख्तियार के मामले में तो हमेशा एक सवाल या निशान होता था कि कायम अली शाह साहब के भी हवाले से कहा जाता था कि भाई वो तो डिसीशंस अपने नहीं ले सक रहे होते, इनको कितने के लिए, या आप समझते हैं अभी भी पावर जो है वो कहीं और है? देखिए ये तो देखिए बात यह कि गुज़श्ता 8 साल की यही सिंध का प्रॉब्लम रहा कि शाह साहब के बारे में ये कहा जाता था कि शाह साहब अकेले वज़ीर आला नहीं है, उनके ऊपर कम से कम 6 वज़ीर आला उनके किसी न किसी तरह उनके ऊपर सवार हैं। तो अब जब तक जो है ना वो 6 वज़ीर आला उतरते नहीं हैं, और आप अपने वज़ीर आला को आपको एतमाद करना चाहिए किसी एक शख्स पे, जब आपने अगर मुराद अली शाह साहब पे एतमाद किया है तो फिर उनको ये इस बात की इजाज़त भी होनी चाहिए कि जी वो जाएँ और अपना अपने मैंडेट के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हवाले से वो अपना जाके अपने हलफ को सामने रखते हुए वो अपने इकदाम करें और सिंध को बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन अब तक जो सूरताल रही है गुज़श्ता आठ साल के अंदर वो जो पावर सेंटर्स बन गए थे पार्टी के अंदर, मुख्तलिफ जो 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 क़्यादत जो थी उन्होंने मुख्तलिफ पावर सेंटर्स बना दिए थे जो कि प्रेशर डाले हुए थे शाह साहब के ऊपर, अगर वो प्रेशर कायम रहता है तो मैं समझता हूँ कि फिर वही वो कहते हैं ना कि नई बोतल और पुरानी शराब, वही फिर मसला होगा, उसके आगे फिर हम बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल सत्तार खान साहब, ये जो रेंजर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान जो रिफ्ट है इसको आप अब किस तरह जाते हुए देख रहे हैं? हर 3 माह बाद वो एक्सटेंशन के मामले को लेकर इतना मुतनाज़ा बना देते हैं, क्या कोई हल निकल, क्योंकि CM चेंज करने से वो मामला तो अपनी जगह लटका हुआ है। देखो रेंजर्स का जब भी बात होती है ना कि इसकी एक्सटेंशन स्टे, एक तो स्टे में एक्सटेंशन, दूसरी पॉलिसिंग पावर्स, ठीक है, दोनों के ऊपर बात होती है। अब दो तरह से इसको देखना पड़ेगा, ये कोई इतना आसान सवाल नहीं है अलीना जिसना तुमने कर दिया, ये तुमने समझा कि शायद बड़ा आसान सा सवाल है, ये इतना आसान सवाल नहीं है। एक तरफ ये है कि चले ठीक है रेंजर्स जो है ना वो स्ट्रीट क्राइम पे चलेगी, फलाना रेट था वो कम हो गया, भत्ताखोरी कम हो गई, स्ट्रीट क्राइम कम हो गया, वो टारगेट किलिंग कम हो गई, ठीक है ये मानने वाली बात है। लेकिन दरमियान में बार बार ऐसा भी हुआ है कि रेंजर कहीं और जाने की भी कोशिश करती है, किसी और तरीके से भी जाती है, यहाँ पर आकर ना पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है ना वो घबरा जाती है कि ये कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो इनको जाना नहीं चाहिए। असूली तौर पे देखा जाए तो रेंजर्स को वहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए, भाई करप्शन के मामलात हैं, आपका क्या काम है? आप जहाँ तक टारगेट किलिंग हो या कोई भत्ताखोरी हो या कोई क्राइम हो, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो, अब तो पुलिस वाले मानते नहीं कि कराची में ऑर्गेनाइज क्राइम है या नहीं है, ये पुलिस वाले नहीं मानते। पुलिस वाले जो है ना ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं मानते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज क्राइम है ही नहीं कराची में खासतौर पर, लेकिन चले हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। वहाँ पे जो मामला हैं वो वहाँ से जब हटते हैं ना तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है ना वो घबरा जाती है कि अब ये डॉक्टर आसिम को उठा लिया जा रहा है, उन्होंने ज़हर बलोच को उठाया हुआ है जी, फलाने को उठाया हुआ, उसको उठाया, उसकी तरफ चले जाएंगे उसकी तरफ। अब होता क्या है, जैसे छोटू मजारी साहब जो थे उन्होंने काफ़ी तंग किया हुआ था, ठीक है, अब उनको फौज ने जाके वहाँ पर काम दिखाया, फौज ले गई, अब वो पंजाब की लीडरशिप इस पर घबराई हुई है कि जी छोटू मजारी पता नहीं क्या कह देगा वहाँ पर, या छोटू मजारी से पता नहीं क्या कहलवा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह की होती हैं एप्रीहेंशन होती हैं, इन्हीं एप्रीहेंशन को जेन में रखते हुए ना फिर वो एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाने देती, एक्सटेंशन में ना जाने अब रिलक्टेंट होते हैं ना, वो ये थोड़ी कहते हैं हम नहीं देंगे, वो ये हो रहा है, देख रहे हैं, कर रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं, दुबई से एक साहब बैठे हुए हैं वहाँ से वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनको पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा। 2-3 चीज़ें हैं कि अगर सपोज रेंजर कला कमा कर देती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहाल हो जाती है, तो क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट किसके पास जाएगा? रेंजर के पास जाएगा ना, सिंध गवर्नमेंट के पास तो क्रेडिट खत्म हो गया। दूसरी बात है कि रेंजर गलती से उनके पास कोई पटाखा आ गया, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, जो सिंध की पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका कोई पटाखा उनके हाथ आ गया, तो फिर क्या होगा, फिर आप कैसे बचेंगे? देखें ना, अब ये उनकी एप्रीहेंशन जो है ना पॉलिटिकल लीडरशिप की, वो बीइंग ए पॉलिटिक्स बीइंग ए पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं कह रहा हूँ कि मेरी एप्रीहेंशन नहीं है, मेरा कौन सा वहाँ पर स्टेक पे है, जिनका स्टेक पे, जैसे MQM है, जब उसकी तरफ रेंजर जाती है तो MQM कहती है ये गलत कर रही है, दूसरे दिन वो पीपल पार्टी की तरफ जाए तो MQM कहती है ठीक कर रही है, वो इसी तरह भी वाइस वर्सा है कि पीपल पार्टी कहती है हमारी तरफ मत आओ उधर जाओ। लेकिन रेंजर्स भी किसी किसी जगह पे ना ये बात भी मानने वाली है कि रेंजर भी थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना कि अपना डोमेन ब्रीच, हाँ हाँ, उसमें वो कर जाती है। अब इस वक्त मतलब ये है कि गवर्नर हाउस से कोई फोन चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर हाउस से फोन चला जाए, बिलावल हाउस से चला जाए, DG रेंजर के ऑफिस से एक फोन चला जाए, लग पता जाता है। सर रेंजर्स डोमेन जो कहीं कहीं हद तक ब्रीच करते हैं, चीजें जो अनफोल्ड हो रही है वो तो बहुत अलार्मिंग है,
उसके लिए आज तक मतलब सिंध की हुकूमत है, मतलब ये जो एक वीक गवर्नेंस, ये एक जो मेस नजर आता है सिंध में, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? देखिए बात जो अभी सितार साहब ने बात की, दुरानी साहब एक इंडिया दे गए हैं बड़ा क्लियर, उन्होंने कहा जी रेंजर्स को इख्तियारात मिलेंगे और रेंजर्स और पीपल्स पार्टी मिलके काम करेंगे और रेंजर्स को मजीद पूरी ताकत से काम करने दिया जाएगा, विच अच्छी बात है, खुशाइंद है, एटलीस्ट मैं इसको देखता हूँ खुशाइंद है। अभी पार्टी की क़यादत भी जो है वो आई थिंक इसी पेज पे आएगी, नहीं आए तो आ जाएगी। बात इतनी सी है कि आर्मी चीफ ने एक कमिटमेंट दी, एक प्लेज दी, और अगर आप उनकी एपेक्स कमेटी की एक स्पीच को लें तो उन्होंने कहा था, एंड आई नो ही मीन्स इट, उन्होंने कहा था कि आई विल स्टीम रोल एनी रेजिस्टेंस दैट कम्स इन माय वे। हमने अमन बहाल करना है, जो टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हैं या फैसिलिटेट कर रहे हैं उन तक हमारा हाथ जाएगा और हमें इस काम से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ जहाँ तक डिटर्मिनेशन का है, उन्होंने शो किया, रेंजर्स ने उनकी दी हुई डायरेक्शंस को अमली जामा पहनाया और बहुत बड़े बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई, बड़ी उन जगहों पर जिन्हें आप ब्रीच कह रही हैं वो 90 तक भी पहुंचे, वो खरल तक भी पहुंचे, वो जहर बलोच तक भी पहुंचे, डॉक्टर आसिम तक भी पहुंचे। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशन जो कह रहे हैं कि जी सिंध तक तो आपको इख्तियार ही नहीं है, नहीं इख्तियार देखें आपको तो सिर्फ आपका हदूद जो है वो कराची तक महदूद है। जब आप 24,000 रेंजर्स को इनवाइट करते हैं तो वो सिर्फ स्ट्रीट क्राइम कम हो जाना कोई अचीवमेंट नहीं है। जो पुलिस है वहां पे उसको जब आप 24,000 आर्म्ड और बोल्ड लोगों से जिनके पीछे एक इंस्टीट्यूशन है जब उसको आप री एनफोर्स करते हैं तो स्ट्रीट क्राइम का नीचे चले जाना आप इसे लैंडमार्क अचीवमेंट नहीं कह सकते। लैंडमार्क अचीवमेंट तब है जो पहली कमिटमेंट थी कि हम फैसिलिटेटर्स तक पहुंचेंगे, फाइनेंशियर्स तक पहुंचेंगे और जो जो लोग क्राइम तक, अभी जिस तरह एक मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, सतार साहब इन्वेस्टिगेटिव काम करते हैं शायद इनको कोई इल्म हो, बात इतनी सी है कि अभी जो खरल की गिरफ्तारी है और अवैध शाह की किडनैपिंग है, जिस तरह सोशल मीडिया पर ये लिंकेज बताए जा रहे हैं, अगर ये ऐसे हैं और उज़ैद बलोच की अटरेंसेज ऐसी हैं और डॉक्टर आसिम की कन्फेशंस ऐसी हैं जो बहुत बड़े पावरफुल हाउसेज की तरफ, पॉलिटिशियंस की तरफ पॉइंट आउट करती हैं, अगर ये बेर मुंडे नहीं चढ़ती, अगर ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं जाते तो रेंजर्स हैव अचीव्ड नथिंग। स्ट्रीट क्राइम उनकी अचीवमेंट में लैंडमार्क अचीवमेंट आपसे नहीं, उसका 70% कम हो जाना इज बट नेचुरल। जब मैं बात पहले भी बात कर चुका हूं, जब आपने 24,000 रेंजर से री एनफोर्स कर दिया तो स्ट्रीट क्राइम तो नीचे आएगा, बिकॉज हर गली में या रेंजर है या पुलिस है। लेकिन जो इनके पीछे हाथ हैं, किसी अभी तक जो हम कहते हैं वो बच्चा जो फांसी चढ़ गया था उसका क्या नाम है, जिस एक लड़के को फांसी नहीं हुई थी जी, क्या था उसका नाम, कब की बात है ये, अभी जो मुझे अभी नाम उसका भूल रहा है, आ जाएगा याद। तो अभी देखना यह है कि इन लोगों को इन क्राइम्स पर उकसाया किन्होंने, उन तक तो हाथ अभी तक ना कानून का पहुंचा है, ना हुकूमत वक्त का पहुंचा है, ना रेंजर्स का पहुंचा है। बिल्कुल। तो जब तक इनकी क्राइम्स तक और क्राइम के परपेट्रेटर्स एक्चुअल जो लोग हैं जिनके हाथ में ये खिलौना बने हुए हैं, जब तक उन तक हाथ नहीं पहुंचता तो हम नहीं कह सकते कि लैंडमार्क अचीवमेंट है। एब्सोल्युटली। लेकिन इसको लॉजिकल एंड की तरफ पहुंचाना इट वुड नॉट बी दैट इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। और इजी मुश्किलात दो हैं। पहली बात यह है कि रेंजर इज वन एलिमेंट, या पाकिस्तान आर्मी जो उनको असिस्ट कर रही है, सुपरवाइज कर रही है, वो एक एलिमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो दूसरा है, जुडिशरी एक तीसरा है, और पुलिस का तआवुन एक चौथा है। जब तक ये चारों अदारे मिलके एक सिमत में सफर नहीं करेंगे उस वक्त तक फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर ये यूं समझते रहे कि मेरी ट्रस्ट डेफिसिट है ना, मैं आप पे इतबार नहीं कर रहा, आप मेरे पे इतबार नहीं कर रहे। दुरानी साहब ने चूंकि ब्रेक से पहले भी पुलिस की कारकर्दगी की बात की, दुरानी साहब इसी हफ्ते आपको अच्छी तरह याद होगा कि दो फौज के एहलकार शहीद किए गए, उनको दिन दहाड़े निशाना बनाया गया। चीफ जस्टिस ने ये बात मेंशन की कि कराची में सर्टन नंबर ऑफ कैमरा जो है वो इंस्टॉल्ड है, सिर्फ 17 फंक्शनल है। अब जो वीक गवर्नेंस की बार बार जो क्रिटिसिज्म आता है पीपल्स पार्टी पे, सर ये भी तो वैलिड है? पुलिस आपकी जो कारकर्दगी दिखा रही है वो भी सबके सामने है, अब रेंजर्स को ऐसे 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 हालात में रेंजर्स की कयाम और उसमें खसूसी इख्तियार में तोसी के मामले को भी इस तरह कॉन्ट्रोवर्शियल बना देना जायज तो नहीं है?
बिल्कुल जायज़ नहीं है। हमने कब कहा है कि जायज़ है? कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि जिनके हदूद होते हैं, कुछ जगहों के हदूद जहाँ पर ये वाक़ियात हो रहे हैं वहाँ पर तमाम इंतज़ामी मामलात कुछ जगहों पर कैंट के हदूद में शामिल हो जाते हैं, कुछ पर रोज़ाना नज़र रखी जाती है। जहाँ कराची को और पूरे कराची को कंट्रोल करने के लिए इतनी बड़ी सोच और फिक्र के साथ, फोर्स के साथ हम एंट्री ले रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र हर एक लम्हे में रेंजर्स को और इंटेलिजेंस को उन कैमरों के जो अंदर लोग बैठे हुए हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए था, और एक एक कैमरे का जांच पड़ताल हर वक्त होना चाहिए था। ये अचानक इस वाक़े के बाद अब अगर सूबाई हुकूमत का जिम्मेदार है उसको सज़ा होनी चाहिए, अगर कोई और है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। जहाँ तक इस कराची की मौजूदा सूरत हाल है उसको आज कंट्रोल करने के लिए तमाम पाकिस्तान के सियासी पार्टियों ने और खसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हुकूमत के साथ मिल करके पार्लिमान के अंदर आसिफ जरदारी साहब ने ही सबसे पहले पहल की कि इसको किसी न किसी तरीके से इस मसले को हल किया जाए, जहाँ अमन अमान बिल्कुल ख़राब हो चुकी है इस पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान के अमन अमान की ख़राबी की बुनियादी वजह सिर्फ इंतज़ामी नहीं है, वो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल पोजीशंस, जहाँ हम बहुत कमज़ोर हैं। खारजा पॉलिसीज़ की कमज़ोरी की वजह से हमें बहुत जगहों पर लड़ना पड़ रहा है। ये एक एंगल में ना देखें, इसको बिल्कुल एक बारादरी में खड़े होकर के आपको देखना पड़ेगा। खासतौर पर अब्दुस्सत्तार खान साहब जब लिखते हैं या बोलते हैं, इनको इस पोजीशन को देखना चाहिए कि ज़रब आज़म के बाद जितने भी महाजर और KPK के लोग थे, कबायली लोग थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रुझान कराची की तरफ आया। हमने सबको इग्नोर किया, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में हमारी एक मुदाखलत है, सिर्फ इसको कराची के कायम अली शाह की इंतज़ामी कमज़ोरी न समझा जाए। ये तमाम सियासत जो कि कहीं भी दुनिया में बैठ कर के हम खेल रहे हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कमज़ोर सियासी क़्यादत और पॉलिसियों ने पाकिस्तान के अंदर का खसूसन कराची को या पाकिस्तान के इर्द गिर्द के माहौल को, इंतज़ामी मामलों को बहुत कमज़ोर करके रखा हुआ है, जिसमें से आपका रेंजर्स, आपका पुलिस, आपका फ़ौज सब इंगेज हो चुका है अपने मुल्क के अंदर। इसलिए खतरनाक सूरत हाल से गुजरने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस और जो फौजी फोर्सेस है सब मिल करके जब काम करते हैं किसी कौम का, वो कामयाब हो जाती है। इसलिए अभी इसमें कामयाबी आगे है, इंशाल्लाह मुस्तकबिल कामयाब होगा। मुस्तकबिल आप कहते हैं कामयाब होगा। एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद सफदर अब्बासी साहब का भी इस हवाले से व्यू लूंगी कि सिंध भर में इस ऑपरेशन का दायरा कार वसी करने की जरूरत किस हद तक महसूस इस वक्त की जा रही है। एंड सेकेंडली, चूंकि आप 12 मई 2007 पे अब जो जमातें हैं वो बहुत बात कर रही हैं, और स्पेशली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कहती है कि भाई हमारे भी कारकुन उस दिन शहीद हुए थे, उनको भी मारा गया था, तो हमें दीवार से लगाने की कोशिश उनका, वो जो एक एक, एक जो उनकी तरफ से एक उनका स्टांस सामने आता है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कि सिंध भर में ये रेंजर्स ऑपरेशन का दायरा कार वसी होना कितना ज़रूरी है? अलवी, एक थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो देखें, बात यह है कि जो दुरानी साहब ने बातें की, मैं समझता हूँ कि उस तनाज़ुर में हम ये देखें, यकीनन ये जो भी सूरत हाल बनी ख़ासतौर पे 80 की दिहाई के बाद, तो हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसने कुछ ऐसे इकदाम उनसे ज़रूर हुए ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर, जिससे कि हमारी ये मुश्किल बढ़ी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमें क्रेडिट देना चाहिए मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप को कि उन्होंने अपने आप को उससे डीलिंग किया और आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि जी वो जो टेररिज्म का एलिमेंट था जिसके बारे में बात कहा जाता था कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करती है, उससे उन्होंने अपने आप को डीलिंग करके और हकीकतन पाकिस्तान के मसाइल की तरफ देखना शुरू किया, खुसूसन जब से जनरल राहील शरीफ साहब ने जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब से बने, और उसके अंदर ये जो भी इकदाम थे, अगर आप जिस तरह अभी दुरानी साहब ने भी बात की कि जी ये तमाम पोलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड किया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहूँगा उसमें कि वो सारी पोलिटिकल लीडरशिप बाकायदा उसको फोर्स किया गया कि जी आप ये डिसाइड करें। वो पहले इतने तजुर्ब में थे कि वो करने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि बड़े मशहूर चीज़ें हैं कि कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये कल मिलिट्री कोर्ट्स, यही हमारे मिलिट्री कोर्ट्स हमारे गले में पड़ जाएं। तो ये जो इकदाम थे उसमें यकीनन मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की जो पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स है या पाकिस्तान की जो पॉपुलर इशूज़ हैं उसमें यकीनन जो है ना फौजी की आदत ने आगे बढ़ी है, और जो हमारे सियासतदान हैं वो जो ना आज जो ना रेट्रोग्रेसिव नज़र आ रहे हैं और ख़राब नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ हमें दिन ब दिन मजीद बिल्ड हो रही है और सियासतदान वो चीज़ करने को तैयार नहीं है जो कि पाकिस्तान की बेहतरी में है, उस वजह से ये सारे हमारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अब इस बात की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि देखें ना, जब तक अगर आप कराची के अंदर ही महदूद रखेंगे रेंजर्स को,
तो यकीनन पर एमकेएम की तरफ से ये शिकायत है कि जी आप हमारे पर ही क्यों, सिर्फ हमारे लोगों पे ही क्यों आप एक्शन कर रहे हैं। Naturally, तो अगर अगर आप इसको अक्रॉस द बोर्ड करके और बाकी इंटरेस्ट के अंदर नहीं जाते, पंजाब के अंदर नहीं जाते, तो उसके उससे फिर मसाइल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, और आज फिर जो ना एक बड़ी बड़ी शार्प फोकस्ड स्पीच हमने देखी है खासतौर पर चाइना अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, ये जो अभी जो चाइनीज लिबरेशन आर्मी का जो अभी फंक्शन था उसके अंदर, कि जो नेक्सस है क्रिमिनलिटी का, टेररिज्म का और करप्शन का, देखिए ये एक ऐसा इशू है जिसके अंदर माजरत के साथ कुछ सियासी एलिमेंट्स भी आ जाती हैं, कुछ समाजी जो बुराइयां हैं वो भी आ जाती हैं, कुछ क्रिमिनल्स भी आ जाते हैं, टेररिस्ट भी आ जाते हैं। तो ये जो नेक्सस बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसको जो एक बड़ी तवातुर से जनरल फौजी क्यादत की तरफ से एक बात आ रही है, मैं समझता हूँ कि सिविलियंस को इसके अंदर बड़ी सीरियसली नोट करना पड़ेगा, सीरियसली देखना पड़ेगा। और ये जो एक फजा है जहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के रिलेशनशिप खराब से खराब तर नजर आ रहे हैं, मैं समझता हूँ इसको ठीक करने की जरूरत है। अगर ये ठीक ना हुआ तो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में पाकिस्तान का जमहूरी मुस्तकबिल जो है ना वो भी खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल सही है। सत्तार खान साहब, 12 मई 2007 का केस अब दोबारा वो उठाया जा रहा है, और वसीम अख्तर साहब का वो जो एक मुबैन इतराफी बयान सामने आया था जिस पर उन्होंने वकला का पैनल जाके उनसे मिला और उन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा किया जा रहा है। आखिर उस दिन कराची में खूनरेजी का जिम्मेदार कौन? वो कहते हैं कि जी 9 साल बाद ही, मतलब एमक्यूएम के रहनुमा तमाम ये कह रहे हैं कि 9 साल बाद ही क्यों उठाया जा रहा है, बीच में आपने क्यों नहीं किया? अगर देखा जाए, एक लिहाज से देखा जाए तो एमक्यूएम को इतना ताकतवर किसने किया, इतना ताकतवर होने में किसने मदद की? उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी आती है, हमारी फौज भी आती है, हमारी सियासी क्यादत भी आती है। मतलब दूसरी आप देखें कि जब भी हुकूमत बनी है सिंध में तो इत्तेहादी हुकूमत बनती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो। होता क्या, एक वक्त में आप पीपल्स पार्टी को निकाल रहे हैं, नवाज लीग को निकाल रहे हैं, ये ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाती है एमक्यूएम पे कि ये एंटी स्टेट हैं जी, जनापुर बनाने के चक्कर में। भाई जिनको आप एंटी स्टेट कहते हो, जनापुर का आप कहते हो खाका उनसे निकला है, आप उन्हीं को इत्तेहादी क्यों बनाते हो? दूसरी तरफ से एमक्यूएम को भी सोचना चाहिए कि यार कल को हमें ये पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, नवाज लीग भी कहती है कि जनाब हम तो एंटी स्टेट हैं, तो हम इनके साथ क्यों जाके मिले? तो मामला दोनों तरफ ऐसे ही है। और फिर देखा जाए ना कि एस्टेब्लिशमेंट जब कोई इस तरह की चीज़ जो मॉन्स्टर बन जाती है ना, फिर वो जब उनके गले पड़ती है ना तो फिर एस्टेब्लिशमेंट उसे ख़त्म करने के चक्कर में पड़ती है। एमक्यूएम के साथ यही हो रहा है कि एमक्यूएम ये ऐसा एक सिस्टम किया जा, ऐसा इस तरीके से इसको डील किया जा रहा है कि एमक्यूएम के लिए हमदर्दियाँ पैदा होनी शुरू हो जाए। भाई कराची का रहने वाला किसको वोट देता है? एमक्यूएम को देता है। टिल द टाइम साबित ना कर देंगे जी धोन दांधली और धोन से वोट डालते हैं, ठीक है। इंटीरियर सिंध में किसको वोट पड़ता है? पीपल पार्टी को वोट पड़ता है। टिल द टाइम कि आप धांधली साबित ना कर दें, ठीक है। अब देखें कराची में बाकायदा ये इनके लिए हमदर्दियाँ ही पैदा होनी शुरू हो गई कि ऐसे लगता है जैसे बाई डिज़ाइन है ये कोई ऐसा चक्कर चला रहे हैं कि इसमें इन्होंने एमक्यूएम को सीधा करना है, स्कोर सेटल करना है एमक्यूएम के साथ। अब ये वो बात है, ये कराची के हलकों में ये बात आम की जा रही है कि भी सेक्टर इंचार्ज ने बचना है तो पीएसपी में चलाया। पीएसपी क्यों? पाकिस्तान जमीन पार्टी, नाम भी बड़ा अजीबो गरीब रख दिया पीएसपी, ठीक है वो उसमें चला जाए। अगर आपका कोई इरादा नहीं है बचने का तो फिर आप एमक्यूएम में रहे। ये बात जब गली मोहल्लों में होनी शुरू हो जाए ना, बिल्कुल पब्लिक परसेप्शन बननी शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि जब जिस तरह आप डील कर रहे हैं ना उसमें नुक्स है। जब तक हम तंग थे, आम बंदा तंग था, टीवी चैनल तंग थे कि जनाब ये तो एमक्यूएम वाले हमें बोलने नहीं देते, उस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट ने कभी रुख ही नहीं किया उनकी तरफ। जब एस्टेब्लिशमेंट को अपनी मसला पड़ा ना, फिर उन्हें नामजदों की तरफ मार्च किया। सर जब इतने स्ट्रॉन्ग बन गए इस ओवर द टाइम, और अभी रिसेंटली वो जो 27 जुलाई का सोशल मीडिया पे मुतहदा कौमी मूवमेंट के चीफ का जो एक वो खिताब अपने कारकुनों से एक वो सर्कुलेट कर रहा है जिसमें वो खुलम खुला वाजिब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल अल्फाज बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो ड्रिलिंग की भी बात करते हैं, वो भेजा जानवरों को खिलाने की भी बात करते हैं, इस किस्म के खौफनाक स्टेटमेंट्स, और आपने येट इतने अरसे तक कोई वो नहीं देखी कार्रवाई? देखें एक बात से तो कोई इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुस्लिम लीग नून हो या एमक्यूएम, ये लगाए हुए पौधे डिक्टेटर्स के हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने और गवर्नर जिलानी ने ये दो भाइयों का पौधा लगाया था जो अभी इस वक्त परवान चढ़ के अपने गुल खिला रहा है, और जनरल ज़ियाउल हक के दिनों में एमक्यूएम का वजूद लाया गया काउंटर वेट टू पीपल्स पार्टी। भुट्टो का भी तो हुआ था ना यूरोप के दौरान, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी कहा करते थे और उन्हीं के गमले में लगाया हुआ पौधा है। तो अनफॉर्चुनेटली
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग रही है कि तीन कू जो उन्होंने किए और नौ नौ दस दस साल के तीन टेन्योर्स लगाए तो 70 साल में 30 साल तो उन्होंने हुकूमत की। जब उन्होंने हुकूमत की तो अपनी विजन के मुताबिक उन्होंने एक मुतबादल लीडरशिप लाने की कोशिश की, क्योंकि एक लीडरशिप के अगेंस्ट उन्होंने कू किया और मुतबादल लाने की कोशिश की। अब उस पर फूल लगे या कांटे, जिम्मेदारी तो उसमें पाकिस्तान आर्मी या जनरल ज़िया-उल-हक या फिर प्रेजिडेंट मुशर्रफ जब आए तो उन्होंने फिर इस मरते हुए पौधे में दोबारा जान डाली। पीपल्स पार्टी ने और जनरल जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त KPK के, उन्होंने इनके खिलाफ क्रैक डाउन किया। बेनजीर भुट्टो को ये बात पसंद नहीं थी, उन्होंने क्रैक डाउन किया और ये नसीरुल्ला बाबर से, हाँ नसीरुल्ला बाबर साहब के दिनों में क्रैक डाउन हुआ और ये तब से अल्ताफ साहब भाग के बाहर बैठे हुए हैं। सो बात ये है कि डिसक्रेडिट आर्मी का है जिन्होंने ये पौधा लगाया, लेकिन मुल्क के आइन से ये बढ़ के नहीं है। अब जो बात इन्होंने की कि जो महाजर या एजुकेटेड तबका है, जो माइग्रेटरीज हैं, वो वोट देते हैं, उनके वोट बैंक को उन्होंने कैप्चर किया, ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है। MQM एक पॉलिटिकल रियलिटी बन चुकी है, बिल्कुल है। इसका लिंकेज क्राइम से तोड़ना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि कफारा उसी अदारे को अदा करना पड़ेगा जिसने ये जुर्म किया है। सर बिल्कुल ठीक है, कफारा उसी अदारे को जिसने जुर्म किया उसको पे करना होगा। 8 साल से, लेकिन पीपल्स पार्टी की भी गवर्नेंस वहां पर थी, बड़ी अलायंस इनकी हमेशा नजर आती थी MQM के साथ। दुरानी साहब, ये जो रॉ के साथ पार्टी के नेक्सस और ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है, आए दिन सिक्योरिटी इदारों के दावों को चैलेंज किया जा रहा है खुलेआम कराची में, किस तरह से आपकी गवर्नमेंट वहां पर हैंडल करेगी ये सब, टैकल करेगी ये? देखिए, अगर राज सिर्फ और सिर्फ कराची के लिए और मखसूस कराची के कुछ गलियों पर मामूर है तो फिर अलग क्वेश्चन होगा। राज का और हमारे पाकिस्तान का ताल्लुक एक दूसरे के साथ छोड़ी दामन का साथी है। अभी हमें पता नहीं चलता है कि राज वहाँ से किस को ले कर आ जाते हैं और यहाँ के लोग किस राज के साथ चलते हैं। पाकिस्तान की सियासत और हिंदुस्तान की सियासत एक दूसरे के साथ सुबह से शाम तक आँख मचोली खेलते रहते हैं। अब अगर हम इस तरफ कहते हैं तो उनका उनकी पोजीशन हमारे मुतालिक भी इसी तरह है, हिंदुस्तान वाले हमारे मुतालिक भी इसी तरह का राय कायम कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या हम अपने घर के अंदर हाउस आर्डर में हैं कि नहीं है, सियासी तौर पर और हकूमती सतह पर और हकूमती सतह पर और रियासती सतह पर क्या हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान के एजेंसीज और पाकिस्तान के तमाम अदारे एक दूसरे को समझ करके काम कर रहे हैं, मुश्तरका मुफादात हैं या एक तरफा मुफादात हैं किसी अलग अलग पोजीशन पे। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में कराची सब्जेक्ट नहीं है, टोटल पाकिस्तान सब्जेक्ट है। 3,500 किलोमीटर अफगानिस्तान सब्जेक्ट है, 3,500 किलोमीटर हिंदुस्तान का सब्जेक्ट है, समंदरी दुनिया सब्जेक्ट है, हमारा लंदन भी एक मौजू है, हमारा अमेरिका भी एक मौजू है, बिल्कुल ठीक है। तो दुनिया के तमाम सब्जेक्ट को पाकिस्तान अपने इस वक्त जो कराची है या सिंध है या पाकिस्तान है, इसका मौजू सिर्फ इस्लामी